अब हम आपको दिखाते हैं भारत म्यांमार पर चल रहे उग्रवादी ट्रेनिंग की कैंप की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सरहद पर घने जंगलों के बीच उग्रवादियों का ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। यही नहीं, उग्रवादी लूटपाट जैसे कामों में भी लगे हुए हैं। देखिए मंजीत सिंह नेगी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत म्यांमार सीमा पर स्थित एक जंगल में चल रही उग्रवादी ट्रेनिंग की है। उग्रवादी एक के 47 समेत अत्याधुनिक स्वचालित हथियारों से लैस हैं। इन्हें बाकायदा एक फौजी की तरह ट्रेनिंग दी जा रही है। फर्क इतना है कि फौज सुरक्षा के लिए हथियार उठाती है और ये खौफ फैलाने के लिए। अभी हाल ही में म्यांमार सीमा के भीतर घुसकर हिंदुस्तानी फौज ने 2 उग्रवादी शिविरों को नष्ट कर कई उग्रवादियों को मार गिराया था। लेकिन आज तक की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें गवाह हैं कि देश के दुश्मन अभी भी साजिश रचने से बाज नहीं आ रहे। जीएनएलए हर जात के लिए प्यार करता है। अगर प्यार नहीं करता पुलिस वाला को पूरा मार देता। हम लोगों हर जाति बाइक के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया, सिर्फ पुलिस वाला को मारने के लिए ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया, सिर्फ कारो जाति के लिए नहीं बनाया, हर जाति के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया। असम मेघालय सीमा के पास का ये सनसनीखेज वीडियो उग्रवादियों की नापाक हरकतों की एक और तस्वीर है। देखिए किस तरह उग्रवादियों ने एक बस को कब्जे में लेकर मुसाफिरों को कब्जे में ले लिया है। आरोप है कि इलाके में उग्रवादी इसी तरह बंदूक के बल पर खुलेआम वसूली में लिप्त हैं। भारत म्यांमार और दूसरे सरहद के इलाकों में बड़ी संख्या में आतंकी खुलेआम ट्रेनिंग ले रहे हैं। सभी तरह के आधुनिक हथियार इनके पास मौजूद हैं और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बिना विदेशी मदद के इतनी बड़ी संख्या में आतंकी कैसे तैयार हो रहे हैं और कैसे भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक।